जब हमारा राजनीति का रास्ता अगर अच्छे से खुल गया या हम राजनीति में हम अपनी पावर दिखा पाए तो अन्याय अत्याचार जो है वो बहुत से बहुत कम हो सकता है। कोई ऐसी अभी आज जो है आज अगर हम देखें तो देखिए अगर कहीं सल्ला घाघरा पराये लोग जो है किसी ने सल्ला घाघरा हमारे समाज वालों ने बांधा है तो उसका विरोध करने वाले 100 पराये लोग खड़े हो जाते हैं, विरोध करते हैं, कभी कभी तो उखाड़ भी देते हैं, झंडा उखाड़ देते हैं। उस वक्त क्या है कि हमारे पास बोलने वाला एक पॉलिटिकल आदमी नहीं होता। हम जैसे तो बोलते हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल आदमी जो है उनके शब्दों में जितना दम होता है वो दम हमारे पास नहीं है। अगर उस वक्त कोई हमारा गोंडवाना का एमएलए बोले तो वो झंडे को कुछ नहीं होगा। हम आंदोलन करके एक दिन कर देंगे, 2 दिन करेंगे, बाद में चुपचाप बैठ जाएंगे, ऐसा ही होता है। कोई सामाजिक अत्याचार हुआ, हम आंदोलन करते हैं, होता कुछ नहीं, बोल देते हैं आदिवासी कौन है, जंगल का शेर है वगैरह वगैरह बोल देते हैं, लेकिन हमारे उस आंदोलन को सरकार नजरअंदाज करती है। एक दिन देखती है कि देखो भाई कोई तुरो का मूल वंशियों का एक आदिवासियों का एक मोर्चा आया था, फिर उस वक्त गोलमाल करके कुछ आश्वासन देके हमको लौटा देते हैं, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता। तो बोलने के लिए जो है हमारा पॉलिटिकल स्टैंड जो है वो मजबूत होना चाहिए, वो हमारे पास आज भी नहीं है और हीरा दादा ने वही देने का काम किया है। पॉलिटिक्स का महत्व इतना है कि जैसे अगर हम समाज के अत्याचार को देखे, शिक्षा में देखे, संस्कृति में देखे, राजनीति में देखे, ऐतिहासिक देखे, हमारा इतिहास भी ऐसा है कि जो लिखा ही नहीं गया, जो लिखा है वो हमारा है ही नहीं। इसलिए हमें जो इतिहास हमारा ढूंढना है, जो नहीं लिखा है वो हमारा इतिहास है उसे हमें ढूंढना पड़ेगा, जो नहीं लिखा है उसको ढूंढना पड़ेगा। ऐसी जो बातें हैं वो बातें हमने करनी चाहिए। हमें गोंडवाना एकता की बात दादा हीरा ने बताई, उनका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं दूंगा कि देखो अगर आप बिल्ली को एक पत्थर मारेंगे तो वो भग जाएगी, कुत्ते को एक पत्थर मारेंगे तो वो भग जाएंगे, लेकिन वैसे मधुमक्खियों को के बोल को अगर आप पत्थर मारेंगे तो वो पूरे के पूरा इकट्ठा होकर हमारे ऊपर हमला करेंगे। यही बात है हीरा दादा की, जो लड़ना है तो लड़ने के लिए हमारे समाज की एकता होनी चाहिए। और वही छोटी छोटी बातों से लेकर उन्होंने बहुत बड़ा संदेश इस समाज को दिया है। उन्होंने कृषि के इसमें हमारा आदमी अगर कुछ होना चाहिए बनना चाहिए तो उसने उनके ही गांव के बाजू में एक कृषि विद्यालय खोला, जो 17-18 एकड़ जमीन है उसके ऊपर बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे, उत्पादन लेते हैं, पैसा कमाते हैं, कमाओ और शिक्षा लो, इस तरह का संदेश उन्होंने कुछ करके हमारे पास रखा है। एक चावल में मुट्ठी भर चावल में गोंडवाना, ऐसा जो उनका संदेश है उसके पीछे उनका बहुत बड़ा नजरिया था। हम देखते हैं कि मुट्ठी भर चावल में क्या होगा, लेकिन एक एक मुट्ठी अगर जमा कर दिया तो बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा, और उसको बेचो, उसका पैसा के पास रखो, उसके ऊपर राजनीति करो, इस तरह की बातें उन्होंने हमें सिखाई है। और इसके साथ साथ जो है
उनका एक फार्मूला था पॉलिटिक्स का। हम अक्सर देखते हैं कि हमारा कोई प्रत्याशी अगर खड़ा रहता है तो हमारे लोग उनको वोटिंग नहीं करते हैं, बात करते हैं लेकिन वोटिंग नहीं करते। तो कार्यकर्ता कैसा बनाना है, इसके लिए उन्होंने एक फार्मूला रखा था 1-10। यानी एक कार्यकर्ता अगर 10 लोगों को इकट्ठा करे तो वो 10 लोग 100 को इकट्ठा करेंगे, 100 लोग 1000 को इकट्ठा करेंगे, ऐसे में हमारा गुवाना जो है वो एक हो जाएगा। इस तरह की बातें उन्होंने हमें पढ़ाई है। अभी देखिए समाज पूरा बिखरा हुआ है। आज भी एक भाषण मुझे याद है दादा का कि गोन का बच्चा यानी राजा का बच्चा अगर राजा नहीं होगा तो क्या भिखारी होगा। कभी कांग्रेस की ओर, कभी भाजपा की ओर, कभी इधर उधर ऐसे लोग जाते हैं, लेकिन हमारे पास हमारे लोग नहीं रहते हैं। हम लोगों ने हमें ही धोखा दिया है। और ये बात उन्होंने एक भाषण में कही थी कि भाई लाल बत्ती की मांग क्यों, लाल बत्ती की मांग क्यों करते हैं आप, अरे कुर्सी में बैठ जाइए, ऐसी 10 लाल बत्ती आपके आगे पीछे घूमेगी। लेकिन वो आप करते नहीं। उसके लिए उन्होंने बड़ा एक मंत्र दिया था उस वक्त कि लाल बत्ती की मांग अगर आप करते हैं तो लाल बत्ती की मांग करो ही मत, आप कुर्सी में बैठ जाओ, 10 लाल बत्ती आपके आगे पीछे घूमेगी। मांगने से भीख मिलती है, अधिकार नहीं मिलती, इसलिए अधिकार के लिए लड़ो। ये उस वक्त उनका भाषण बहुत चर्चित रहा था। और शब्दों के ऊपर भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया है, कौन सा शब्द हमें गिराता है, कौन सा शब्द हमें ऊपर तक पहुंचाता है। इस पर एक जो आरएसएस का सोशल संगठन जो है वनवासी कल्याण आश्रम, तो उसके ऊपर उन्होंने एक तोप डाली थी। शिवराज सिंह चौहान साहब ने हमें जो एमपी में हम लोगों को वनवासी कहा था, उस वक्त दादा ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो बहुत चर्चित था, दिल्ली के अखबार में भी, एक बड़े अखबार में भी वो छपा था। उन्होंने उस वक्त कहा था कि ये लोग हमें वनवासी कहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि वनवासी वो है जिसके बाप ने 14 साल का वनवास जिसे दिया था वो वनवासी है, मेरे बाप ने कभी मुझे वनवास नहीं दिया। तो इस बात से एक पता चलता है कि शब्दों के बारे में भी बहुत दादा बहुत चुस्त थे। वो जैसा समय का ये रखते थे, ख्याल रखते थे, उस वक्त शब्द और भाषा, उनकी भाषा भी बहुत मृदु थी। वो कभी भाषण में वो ये सोचते नहीं थे कि हम मेरे सामने 100 लोग है या 10 लोग है, वो नहीं। उनको ये प्रोग्राम में किसी को पसंद नहीं आया, अगर कोई भाषण पसंद नहीं आया तो वो सीधा बोल देते थे कि जिसको पसंद नहीं वो चले जाए, यहाँ 10 लोग रहे तो भी मैं बोलूंगा। ऐसी भाषा जो है वो दादा बहुत बार हमें संदेश के तौर पर बोल चुके हैं। हम उनका बहुत तहे दिल से, मैं पर्सनली उनके 2011 से आज तक मैं संपर्क में रहा। दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं उनकी मैयत के लिए नहीं जा पाया, उसी वक्त दूसरे दिन ही मेरी भाभी की भी मैयत हो गई। और योग ऐसा है, मेरे को लगता है कि अक्टूबर महीना हमारे लिए बहुत दुख का महीना रहा। जैसे मोती दादा का भी निधन 30 अक्टूबर को हुआ था और हीरा दादा का 28 अक्टूबर को हुआ। एक दिन का फासला है इन 2 दिनों में। तो आज हमारे पास
मेरा तो नहीं है, लेकिन उनके जो तत्व है, इन तत्वों को साथ में लेकर हम आगे चलने का प्रयास जरूर कर सकते। उनकी सीख जो है, उन्होंने एक गोंडी व्याकरण की किताब भी लिखी थी, दो तीन किताबें लिखी उन्होंने, लेकिन आखिरी दम तक मोती दादा ने भी उनका कभी साथ नहीं छोड़ा। और मोती दादा जाने के बाद भी वो थोड़ा सा विचलित भी नहीं हुए, आना जाना तो रहता ही है ऐसा बोलते थे, लेकिन उन्होंने अपना जो प्रयास है वो काफी समय तक जारी रखा। और हम वर्धा वाले जो है, वर्धा वाले लोग को बहुत खुशनसीब है कि हर साल उन्होंने हमारी वर्धा में हाजिरी लगाई। इस साल भी 15 मार्च को वो आए, हालांकि उनकी तबीयत बहुत खराब थी, वो नहीं आएंगे ऐसा ही हमें लग रहा था, लेकिन चैम सिंह मरकाम भैया जो है, मैं उनके संपर्क में था, दादा तुलेश्वर जी मरकाम जी के संपर्क में था, दादाजी आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उसके बारे में मैं हमेशा पूछता रहा, लेकिन दादाजी सुबह 4 बजे वर्धा में पहुंच गए ट्रेन से। हम जब सेवाग्राम उनको रिसीव करने गए तो दादा की तबीयत तो बहुत नाजुक थी, बाद में हमारे घर में भी आया। उनका उस वक्त भी खाने का जो है, खाने का बहुत वो खुद ही ख्याल रखते थे, उनको जो चाहिए वो खुद ही बनाते थे, उनका पानी एकदम अलग से रहता था पीने का भी, और तबीयत बहुत अपनी तबीयत का ख्याल रखते थे, और लोगों को भी बताते थे कि भाई अपनी तबीयत का ख्याल रखो। मुझे भी वैसा ही बताया था, क्योंकि मेरे बारे में भी बहुत वो सोचते थे, बहुत उन्होंने मेरे को सलाह दी, मेरे साथ कभी घर में रहे, पूरा दिन मेरे साथ बिताया मेरे घर में, उनसे बहुत बातें मैं सीख चुका हूँ। तो मैं ये चाहूंगा कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जो तत्व है, उनका जो एजेंडा था, समाज आज भी सोचता है कि पॉलिटिक्स ये अच्छे लोगों का काम नहीं है, पॉलिटिक्स में हम जो सोशल वर्कर जो है वो कभी पॉलिटिक्स बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारे समाज का एक व्यू बना है, तो इसे उतार कर हमें फेंकना है, फेंकना चाहिए। अगर हम अच्छे लोग अगर पॉलिटिक्स के तरफ, पॉलिटिक्स की तरफ अच्छी नजर से नहीं देखेंगे तो समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि पॉलिटिक्स ही सब कुछ है, पॉलिटिक्स अगर अच्छा रहा आपका, सच्चा रहा आपका, तो समाज अच्छा रहेगा, शिक्षा अच्छी रहेगी, आपकी उन्नति भी होगी, उसके बलबूते संस्कृति का बचाव भी होगा, धर्म का बचाव भी होगा, क्योंकि बोलने वाले लोग हमें मिल जाएंगे और हमारी बाजू रखने वाले लोग हमारे पास रहेंगे। अगर हमारी सत्ता भी आ गई तो हम अपनी सत्ता का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यह दादा का बहुत बड़ा उसके पीछे व्यू था, कोई कपट नहीं था, कोई छल नहीं था उनके ऊपर भी। वो जब जिंदा थे तो बहुत लोगों ने आरोप लगाए, वो बेबुनियाद आरोप है, तो कोई ये नहीं है, क्योंकि दादा पूरा जिंदगी भर समाज के लिए जिए, हमने अपनी नजरों से देखा है। अभी कुछ ये लोग बोलेंगे कि वो ऐसे थे, तो वो गिने चुने लोग है, उनको पसंद नहीं है, समझो ऐसा कि समाज की एकता पसंद नहीं है, लेकिन कुछ भी हो जाए, अगर दूसरा हीरा अभी मिलना नामुमकिन है, मोती भी मिलना नामुमकिन है, अभी हमारे पास, हमारे गोंडवाना के पास दो ही हीरा मोती थे, वो भी आज हमारे बीच नहीं रहे, तो मैं इस वेबिनार में सबके लिए दादा का एक संदेश रखना चाहूंगा कि अगर कुछ हमें
हमारे समाज के बारे में थोड़ी आस्था है, हमारे समाज के बारे में कुछ थोड़ा सा सोचना है, तो पॉलिटिकल को अच्छे नजरे से देखिए। पॉलिटिक्स को, हमारा पॉलिटिक्स कैसा चलेगा, हमारा पॉलिटिक्स कैसा स्ट्रांग होगा, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। यही संदेश था पॉलिटिक्स के जरिए। एक तरफ संस्कृति बचाव का काम, भाषा बचाव का काम मोती दादा ने किया, दूसरी तरफ हमारे समाज को एकजुट करने का काम जो है, हमारे समाज के दिमाग में पूरा का पूरा सोशल पॉलिटिक्स भरने का काम जो किया है वो हीरा दादा ने किया है। और हीरा दादा का, मोती दादा का अगर रास्ता लेकर हम आगे बढ़ जाए तो यकीनन हमें कोई रोक नहीं पाएगा। मैं इतनी बात रखना चाहूंगा। जय सेवा, जय गोंडवाना, राज करेगा। अभी राज करेगा गोंडवाना के बारे में भी हीरा दादा का एक स्टेटमेंट मैंने सुना था कि भाई अगर राज करेगा गोंडवाना, अगर बोलने से नहीं होता, कहो नहीं करके दिखलाओ, इसको पहले सामने रखकर हमें गोंडवाना राजनीति का मूवमेंट चलाना होगा। कम से कम हम जब गोंडवाना राज आएगा तब आएगा, लेकिन कम से कम ये बात बोलकर, राज करेगा गोंडवाना ऐसा बोलकर कम से कम उसका अपने मन को कम से कम ये तो बना, स्ट्रांग बनाइए। ये दादा का उद्देश्य था और वो आखिरी तक वो राज करेगा गोंडवाना बोलते रहे हैं। ये बड़ा संदेश हमारे बीच में उन्होंने छोड़ा है। तो इतनी बात मैं रखकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मारुति सर। आपकी दादा दादा के बारे में का जो एक्सपीरियंस आपने अभी शेयर शेयर किया, और दादा की जितनी भी जो विचारधारा आपने हमारे सामने रखी, हम जानते हैं कि आप उनसे बहुत कनेक्टेड थे। मैंने देखा है आपको हमेशा हीरा हीरा मोती दोनों के बारे में आपका रुझान। धन्यवाद आपका। इसके बाद बुद्धदेव सयाम दादा जी जी दादा, मारुति दादा जो अभी पहले थे वो एक लेखक है हमारे महाराष्ट्र से, जो काफी मराठी जो लैंग्वेज है उसमें बेबाक बात रखते हैं गोंडवाना की। और दादा दादा हीरा सिंह मरकाम की मराठी मराठी संस्करण बोलते हैं हम उनको, जब वो आते हैं तो मैं हमेशा दिखता हूँ मारुति दादा में, थोड़ा सा अंश हीरा दादा का अंश हमेशा दिखता है। हीरा दादा गए नहीं है। मारुति दादा आप सुन रहे होंगे, आप अभी जो बोल रहे हो अभी आपको करना है। दिखना चाहिए आज। हाँ दादा, बुधदेव दादा, सेवा दादा, सभी सागर सभी सेवा सेवा जवाब दादा, सभी सभी सर। सगा पाड़ी जो आपके साथ में, उनको मैं सेवा जोहार करता हूँ यहाँ से। बहुत बहुत दादा की, दादा को जो प्यार करते हैं वो लोग आ रहे हैं ऐसे झुंड में, अच्छा लग, अच्छा नहीं बट गुणवाना जिंदा यही उसका चिन्ह है। दादा बताइए आप बेसिकली आपको दादा का प्रभाव आपके जीवन में कैसे रहा आज तक, और दादा का कौन सा विचार है जो आपको लगता है कि आज समाज को जोड़ सकता है, समाज को जागरूक, ये इस विषय पे आप बोलिएगा। सभी सगाजन जो अपना बात रखना चाह रहे इन शब्दों में रखिएगा। आदरणीय, आज के राष्ट्रीय स्तर पे जो आप लोग या कार्यक्रम वेबिनार रखे हैं, आप सभी मुख्य अतिथियों का, सभी हमारे सगा पाड़ियों को सबसे पहले सर्वप्रथम सेवा जोहार। जायाल बाबो ना सेवा जोहार, पारी कुपार लिंगो ना सेवा जोहार, प्रकृति शक्तिनाथ पड़ापेन सर्वोच्च शक्तिनाथ सेवा जोहार। तमाम आप सभी सगा पाड़ियों को मैं सेवा जोहार करता हूँ। नाम है मेरा बुद्धदेव सिंह सयाम, गोंडी गायक, समाज चिंतक, समाज सेवी। छत्तीसगढ़ के अंचल में हम लोग लगातार समाज सेवा करते रहते हैं, और कोया पुनेम गोंडवाना महासभा के बैनर तले, क्योंकि आज यह कोई संगठन का कार्यक्रम नहीं है,
इसलिए मैं अपने संगठन का नाम ना लूं तो ज्यादा बेहतर है। आज आप जिस तरह से यह कार्यक्रम रखे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आज पूरे राष्ट्रीय स्तर के सभी सगा पाड़ी यहाँ पर हैं। अभी हमने सुना हमारे मारुति दादा को, बहुत अच्छा उन्होंने अपनी विचार रखी। सर्वप्रथम मैं अपने छत्तीसगढ़ से, अभी हम लोग कार्यक्रम में ही हैं और हम लोग पूरे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ग्राम स्तर पर हमारे गोंडवाना के महानायक दादा हीरा सिंह मरकाम जी का यह विशेष श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। हर गांव में, हर तहसीलों में, हर ब्लॉकों में यह कार्यक्रम लगातार अनवरत जारी है और इत्तेफाक से इस कार्यक्रम में मैं यहां पर पहुंचा हुआ हूं। यह अंबिकापुर का क्षेत्र है जो सरगुजा जिला है। आपने मुझे कहा कि दादाजी की कौन सी बात आपके दिमाग में है, तो मैं इतना ही जानूंगा कि मेरे जीवन में, मैं जब छठवीं क्लास में था तो दादाजी मेरे घर आया करते थे और मैं उनका जो है, जब वो घर में आया करते थे तो मैं छोटा सा बच्चा था। मेरे पिताजी कहते थे कि जाओ दादाजी को मालिश कर दो, तो मैं दादाजी को मालिश करता था और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिला। जब वो मेरे घर से निकल रहे थे तो पिताजी ने कहा कि जाओ उनका झोला पकड़ लो, तो मैं वहां पर झोला पकड़ने गया तो दादाजी ने एक बात कही कि बेटा ये क्या कर रहे हो। मैं बोला कि भाई ये दादाजी, आप दे दीजिए आपका झोला, मैं बस स्टैंड तक पहुंचाने जाऊंगा। तो बोले जिस आदमी ने अपने इतने बड़े समाज के जिम्मेदारी ली है, क्या मैं एक झोला नहीं उठा सकता, तो मेरी आदत मत खराब करना, क्योंकि मेरे ऊपर समाज की जिम्मेदारी है और समाज की जिम्मेदारी है और मैं एक अगर मैं अपना एक झोला ना उठा पाऊं तो क्या मैं इस समाज का कल्याण कर सकता हूं। और समाज, दादाजी की एक बात और मुझे याद है कि जिसका बात एक उसका बाप एक, उन्होंने यही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जिसका बात एक होगा उसका बाप एक होगा, अर्थात कि एक विचारधारा, एक दृष्टिकोण गुंडवाना के तमाम सगा पाड़ियों को एक मंच पर आना चाहिए और आकर के एक बात और एक विचारधारा से समाज का कल्याण हो, ऐसा वो सोचते थे। और ये भी कहते थे कि जंग लगने से बेहतर है, जंग लगने से बेहतर है कि जंग में युद्ध लड़ के मरा जाए, जिया जाए, ऐसा दादाजी कहा करते थे। और उन्होंने एक बात कही थी कि समाज को अगर जोड़ना है तो सबको एक विचारधारा से काम करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। और उन्होंने कहा भाषण बहुत होता है, हजारों संगठन बने हुए हैं, भाषण यानी कर्ता समाज से भी बहुत, माने कहना चाहिए वक्ता समाज से भी हमारे बीच में बहुत पड़े हुए हैं, जो अच्छा बोलते भी हैं मगर करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। तमाम प्रकार की ज्वालाएं, तमाम प्रकार के दुष्टों को, तमाम प्रकार के दुखों को सहन करते हुए, विपत्तियों को सहन करते हुए हमारे महापुरुष, हमारे पुरखे, वो लोगों ने इस गोंडवाना के आंदोलन को आज यहाँ तक पहुंचाया है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे हमारे सगा पाड़ियों के बीच में कि ये जो कारवां आज इतना बड़ा गोंडवाना का बागवान बन गया, उस बागवान को बनने में जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि पावर ऑफ द यूनिटी, हमारे गोंडवाना दर्शन या गोंडवाना साहित्य और गोंडवाना समाज के इस आंदोलन को ले जाने के लिए सबसे पहले व्यंकटेश आतराम दादा, सुनेर सिंह तराम दादा, आचार्य मोती रावण कंगाली दादा, बीएल कोराम दादा, कोमल सिंह मराई दादा, फतेह बहादुर सिंह मरकाम दादा, शीतल राव कवड़ू जैसे तमाम दिग्गजों ने और मातृशक्तियों में उषा किरण आतराम ताई, ऐसे तमाम लोगों ने एक यूनिटी बनाई और मिलकर के उन्होंने काम किया। कहते हैं कि एक एक व्यक्ति का, एक एक व्यक्ति का श्रम, एक एक व्यक्ति का टैलेंट, एक एक व्यक्ति की कैपेबिलिटी, एक एक व्यक्ति की योग्यता मिल करके एक यूनिट बनती है, तो ऐसा पावर खड़ा इन्होंने किया और उसी की बदौलत आज हमारा गोंडवाना, इस आंदोलन का जो गोंडवाना का मूवमेंट है आज यहाँ तक पहुंचा। अभी हमारे दादा बोल रहे थे कि 1 to 10 का फार्मूला अपनाने का दादा ने कहा, वाकई में उसमें वो शक्ति है। कहते हैं
कि मेरी ताकत नहीं है, श्याम जी की ताकत नहीं है, मगर ये हमारे सगा पाड़ी, ये भाई, अगर ये मरावी भाई, ये टिकाम भाई, ये मरकाम भाई, सारे सगा पाड़ी अगर मिल करके एक साथ हम लोग हो जाए, उसको कहते हैं गोंडवाना। जैसे पांच खंड का हमारा गोंडवाना था और उसका एक संचा मिलाकर एक गंडा बना था। हमारा समाज सामुदायिकता का बोध कराता है, हमारा समाज गंडवाना का बोध कराता है, हमारा समाज गंड जीवाना का बोध कराता है, गोंडवाना गोंदोला व्यवस्थाई का वो कराता है। हम गंडोदाई के उपासक है, हम गंडो धरती दाई के पुजारी है। ऐसा हम लोगों को मिलकर के ऐसा सोचना होगा। अलग अलग संगठन ठीक है, संगठन आए तो बनती हैं और आती हैं, चली जाती हैं, मगर दादा का जो सपना था कि संगठन महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी विचारधारा महत्वपूर्ण है, हमारा बाप एक है। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि हमारे समाज में जब मैं जाता हूं तो हम ये देखते हैं कि एक पिता ने चार बच्चे पैदा किए और उन चार बच्चों में एक गायत्री परिवार का होता है, एक गैरा गुरु का होता है, एक श्री राम शर्मा आचार्य का होता है, ऐसा करके चार भाई अलग अलग विचारधारा में होते हैं। और जब समाज की बात आती है तो कहते हैं कि मैं उसके घर में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो तो मुर्गा पालता है, वो अशुद्ध आदमी है। मैं कहता हूं ये कैसा धर्म है जो भाई से भाई को विलग कर देता है। अगर कोई धर्म अगर भाई के भाई को अलग कर दे, एक पिता जब अपने बच्चे को पैदा कर दिया तो क्या इस दिन के लिए पैदा कर दिया कि दोनों अलग अलग हो जाएं? और ये कैसी आंधी आई मेरे साथियों, ये कैसी विपदा आन पड़ी आज गोंडवाना पे साथियों, कि आज भाई भाई का न रहा। आज हमारी बेटी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से खड़ी है, मरवाही विधानसभा क्षेत्र से वो बेटी खड़ी है, मगर समाज बिखरा हुआ है। वो बेटी खड़ी हुई है मगर समाज बिखरा हुआ है, और इस बिखरा से क्या हम अपने उस कड़ी को प्राप्त कर पाएंगे? नहीं। तो सबसे पहली बात कि हमको समाज बनाना है, हमारे समाज बिखरे हुए हैं, उन समाज को जोड़ने का जो 1-10 का फार्मूला दादा हीरा सिंह मरकाम ने दिया, उन पुरखों की बातों का अनुसरण करके गोंडवाना को, युवा शक्ति को आज फिर से एक होने की आवश्यकता है और हमको मिल करके काम करने की आवश्यकता है। और हम इसी विचारधारा पर हम दादा के लिए अपनी सांस अंतिम जी, हम तो कहते हैं कि जीवन क्या है, तो गोंडवाना ने सिखा दिया कि जीवन क्या है, जीवन गोंडवाना है। दादाजी ने सिखा दिया कि जीवन क्या है, कर्म क्या है, तो हमने कहा कि गोंडवाना हमारा कर्म है। धर्म क्या है, गोंडवाना हमारा धर्म है। लोग हमारे और काम दुश्मनों का करते हैं। आज लोग हमको कहते हैं कि हमें दुश्मनों की पहचान होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि दुश्मनों और दोस्तों की पहचान का जो रिवायत है वो तो है ही है, आज अपनों का पहचान होना बहुत जरूरी है। कि काम ये लोग करते हैं, कहां पर काम करते हैं, आएंगे पीली पगड़ी बांध करके, बहुत सारे उत्सव भी मनाते हैं। किंतु ये लोग काम दुश्मनों का करते हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों साथियों? काम समाज का बेटा अगर समाज का काम ना करे तो वो बेमानी है, और ये खून नहीं वो पानी है, दादाजी की यही वाणी है। ऐसा कहके दो शब्दों में, चंद शब्दों में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे दादाजी आचार्य मोतीरामन कंगाली जो हमारे गुरु हैं, मुठवा है, उनको मैं यहाँ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, कोटि कोटि नमन सेवा जोहार करता हूँ। और दादर जी के लिए दो शब्द, दो लाइन में गीत हमारे छत्तीसगढ़ में हम गाते हैं, दादाजी के अंतिम चरणों में ये गीत समर्पित करता। गोंडवाना, ताली बजाना, गोंडवाना के हीरा सिंह मरकाम वो कैसे करो मैं दादा कुर्बान, गोंडवाना के हीरा सिंह मरकाम वो कैसे करूं मैं दादा कुर्बान, अरे कैसे करूं मैं दादा कुर्बान वो, गांव गांव टोला जाके
तैं कुंडवानाला जगाए हीरा तो बेटा मोर कुंडवाना के कहाए। अरे कालई का काबुलवा अरे कासियान ओ कैसे करो तोर बखान वो। अरे कैसे करो मैं दादा तोर बखान वो। नर्मदा के पानी जैसे कभू नहीं हटाए दया माया तोर दादा कभू नहीं सिराए। नर्मदा के पानी जैसे कभू नहीं हटाए दया माया ओ दादा कभू नहीं सिराए। अरे कालई का बुढ़वा कासियान वो गुंडवाना के कैसे करो गुड़गान दादा मर काम के। गुंडवाना के हीरा सिंह मर काम वो कैसे करो मैं दादा और बखान। दादा हीरा सिंह मर काम ना सेवा सेवा। दादा हीरा सिंह मर काम ना सेवा सेवा। दादा हीरा सिंह मर काम ना सेवा सेवा। धन्यवाद धन्यवाद सगा पाड़ी बस यहीं पर मेरी आप सभी ने मुझे यह अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा 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 दादा सेवा। आपके अंतिम पंक्तियों ने भाव विभोर कर दिया बुद्धदेव स्वयं दादा। ऐसे बुद्धदेव स्वयं दादा एक कलाकार है छत्तीसगढ़ कोरबा के पेंटारा में थे अभी वो दादा के ही कार्यक्रम में थे और उन्होंने दादा के जो विचार के आगे रखा जंग लड़कर मरने से अच्छा है जंग लड़कर मरो समाज के लिए। ये दादा के विचारों ने प्रस्तुत की बोलता। मैं दादा के बारे में तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो बताने के हैं लेकिन मैं सभी तो नहीं ये बात करना चाहूंगी लेकिन मैं कुछ बातें जरूर शेयर करूंगी जो दादा ने हमें जो रास्ता दिखाया है जैसे कि गुंडवाना जंगम दल के माध्यम से जब भी धर्म सम्मेलन का आयोजन या होता है तभी तभी दादा हमें यहाँ आकर प्रोत्साहित करके गए हैं। दादा ने बहुत बातें बताई और उन्हीं का एक फार्मूला हम यहाँ पे यूज भी कर रहे हैं जैसे कि गोंडवाना बचत बैंक का जो दादा ने ये फार्मूला बताया था उनके माध्यम से अभी तक हमारे यहाँ ये महिला जंगम दल चला रही है एक बैंक एक बचत बैंक का जो दादा ने हमें मार्ग दिखाया था उस मार्ग से हम चल रहे हैं। हम दादा के बहुत बहुत ऋणी हैं कि बहुत सारे ऐसे बातें हमें बताया आए। हम पर्सनली बहुत बार उनके उनके साथ आए हैं बातचीत हुई है तो हम बहुत खुद को भाग्यवान समझते कि हमें हीरा मोती जैसे दो गोंडवाना के लोग हमें मिले हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जो आदर्श है जो हीरा मोती है अगर जैसे कि गोंडवाना जंगम दल उनके आदर्शों को मानते हैं उनके आदर्शों को चलते अगर गोंडवाना समाज के सभी लोग अगर उनको माने उनकी बात समझे उनको चाहे तो हमें गोंडवाना निर्माण करने में के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो दादा ने यहाँ 2015 से 2011 से लेकर यहाँ सिखाई है और बहुत बार उनसे बात भी हुई तो हम दादा के बहुत ऋणी रहे हैं। बस और ने कहा आज जब हमारे बीच दादा नहीं रहे तो इस बात का हमें बहुत दुख होता है और ये योग भी ऐसा कि दादा के
अंतिम संस्कार के लिए हम नहीं जा सके, इसका हमें अभी बहुत दुख हुआ है। आखिरी बार तक हमारे प्रोग्राम में दादा ने हाजिरी दी, अपनी तबीयत का, अपनी कुछ भी इसका ख्याल न रखते हुए दादा हमें बहुत बार पर्सनली कुछ सवाल जवाब करते थे। वर्धा या महाराष्ट्र की बात करें तो उन्होंने पर्सनली हमें मारुति जोई के और रंजना वी के ऐसे पर्सनल नाम लिए, इसका हमें बहुत गर्व भी होता है। और आज जबकि हमारे बीच ये दोनों हमारे आदर्श महापुरुष नहीं रहे, तो इसकी जो क्षति है हम कभी नहीं पूरा कर पाएंगे, उनकी कमी हम कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। बहुत हमें इस बात का दुख होता है कि आज हमारे बीच हमारे दोनों आदर्श नहीं रहे। बस इतना बोलकर हम अपने वाणी को यहाँ पूर्ण विराम देती हूँ। जय सेवा, जय गोंडवाना, राज करेगा गोंडवाना। धन्यवाद। धन्यवाद तिरुमा रंजना उनके उनके जी। चिमसिंग मरकाम दादा, चिमसिंग मरकाम दादा, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आपने काफी समय दादा के बहुत समीप व्यतीत किया है गोंडवाना आंदोलन में। हम आपसे सुनना चाहेंगे कुछ दादा की बातें। रंजना ताई उइके जी, जो अभी आपने बात रखी है, वो वर्धा से हैं और गोंडवाना मूवमेंट को उस एरिया में महाराष्ट्र में काफी शिद्दत से बढ़ा रहे हैं। दादा की जो विचारधारा है उनको अगर सही में देखना है, उन्होंने जो भी बैंक की बात की और वो हमेशा उनके हर कार्यक्रम में किताबों का भी प्रस्तुति देते हैं, उनके खुद के राइटिंग में किताबें प्रस्तुति हुई है, तो आप उनका प्रोफाइल या जो भी सगा भी देख रहे हैं कि जो ये जो हमारा उइके परिवार है, मारुति उइके और रंजना उइके, ये वर्धा में रहकर जो गोंडवाना की आवाज जो आग जला रहे हैं, उनको मैं यहाँ से सेवा जोहार करता हूँ। और चेन सिंह दादा, आपका स्वागत है जी। हेलो, आपका वीडियो ऑन करिए। धन्यवाद। मैं आपसे कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहा था मगर नहीं हो पा रहा था। आप अपना वीडियो रखिए दादा, जो हम लोग जो गोंडवाना विचारधारा में जो हम लोग नहीं पहुंच पाए दादा के अंतिम दर्शन के लिए, हम उनको याद कर रहे हैं उनके कार्यों के थ्रू, विचारों के माध्यम से, उनका जो प्रभाव है हमारे जीवन के ऊपर, समाज के ऊपर, उसकी बात कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ कि आप कैसे जुड़े दादा के इस गोंडवाना मूवमेंट में, उनके कौन से विचार आप पे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, हम उन विचारों के माध्यम से दादा को श्रद्धांजलि देने का ये प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। जो आपने मुझे सवाल किया था व्हाट्सएप पे, ये क्या है, तो ये हमारे हम लोग जैसे हम जानते हैं कि विचार बहुत इम्पोर्टेंट होता है, व्यक्ति जो हमारे फिजिकलिटी होता है, वेन तो शायद आज नहीं तो कल अंतिम घड़ी आने वाली है वेन शक्ति की, मगर जो विचारों की जो पेन शक्ति है उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो इन्फाइनाइट है। तो ऐसे कुछ विचार जो आपको प्रभावित करते हैं दादा के, आपके जीवन का जो मार्ग आपने जो अभी डिसीजन लिया है अपने लाइफ का, उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में रखिए। ये टेलीकास्ट हो रहा है, पूरे भारत देश में गुंजने वाली है बात, तो और मैं आपको निवेदन करता हूँ कि ये जो आयोजन है कोई संगठन, कोई समाज या कोई गटों के लिए नहीं है, ये सारे गोंडवाना के लिए है। इस बात को ध्यान रखिए, अपनी बात रखिएगा। हाँ, मेरा नाम है चेन सिंह मरकाम, मैं डोंगरगढ़ का निवासी हूँ। डोंगरगढ़ के पास मेरा गांव है बछेरा भाटा, डोंगरगढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर। मेरी आवाज आ रही है ना जी? आवाज आ रही है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, तो ये वर्ष 2006-07 की बात है, उस समय मैं कॉलेज का विद्यार्थी था, तो गांव-गांव में दादा हीरा सिंह मरकाम के नाम से। हेलो
हाँ, दादा हीरा सिंह मरकाम के नाम से गांव गांव में गुणवाना गौरा कलश चलता था और आज भी संचालित है वो गुणवाना गौरा कलश में। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? डिवाइस रिदम थोड़ा सा माइक ऑफ करिएगा अपना। हाँ, डिवाइस रिदम तो 2006-07 की बात है। तो दादा हीरा सिंह मरकाम का आंदोलन गांव गांव में चल रहा था गोंडवाना गौरा कलश के माध्यम से। दादा जी का नारा था, एक एक मुट्ठी अन्न बचाएंगे और गोंडवाना में समृद्धि लाएंगे। तो उसी के माध्यम से हमारे गांव में भी सर्वप्रथम गोंडवाना गौरा कलश का आयोजन हुआ और राजनांदगांव जिले में गोंडवाना गौरा कलश का जो प्रचार कर रहे थे वो खैरागढ़ क्षेत्र से संत राम छिदैया जी है, उनके द्वारा हमारे गांव में गुणवाना गौरा कलश का नारा दिया गया और उन्हीं के माध्यम से दादा हीरा सिंह मरकाम के बारे में मुझे जानकारी मिला। जब 2008 में रायपुर का जो आउटडोर स्टेडियम है वहां पर बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ था अनुसूचित जनजातियों का, जिसमें उस समय के सांसद सोहन पोटाई भी थे, विधायक रामविचार नेताम, लता उसेंडी और अभी वर्तमान में जो केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं माननीय नंद कुमार साई जी, वो भी थे। तो उस आयोजन में दादा हीरा सिंह मरकाम जी से मैं पहली बार मुलाकात किया, वर्ष 2008 की बात है। तो उसी समय से दादा जी के विचारों को मैंने मंच के माध्यम से सुना जाना। उसके बाद वर्ष 2009 में हमारे डोंगरगढ़ में जो गोंड समाज का धर्मशाला है उस मैदान पर रानी दुर्गावती का एक स्टेचू बनाए हम लोग, और रानी दुर्गावती का जो स्टेचू बनाए उसके शुभारंभ के लिए गुणवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी और हमारे लिंगोवासी आचार्य डॉक्टर मोती रावन कंगाली जी का संयुक्त कार्यक्रम हम 2009 में नगरपालिका मैदान डोंगरगढ़ में आयोजित किए, जिसमें पहली बार मैं हीरा और मोती को एक साथ एक मंच पर देखा और दोनों के विचारों को सुना, और विचारों को सुनने के बाद मैं काफी प्रभावित हुआ। साहित्य का अध्ययन तो मैं पहले से कर ही रहा था, लेकिन 2009 का वो जो संयोग है 2009 और 10 में दादा जी से लगातार जुड़ता गया। उसके बाद दादा जी का आगमन डोंगरगढ़ में हुआ, उसके बाद दादा जी से बहुत सारी जानकारियों को मैंने जाना और उसके बाद लगातार दादा जी के साथ कहीं ना कहीं मैं कार्यक्रम में जाते रहा। इस प्रकार से दादा हीरा सिंह मरकाम से मेरी घनिष्ठता बढ़ी। हेलो जी, अब आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हमारे गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक गुणवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी आज लिंगोवास पर चले गए। अब उन्होंने जो दायित्व अपने हाथों में उठाया था उसको हम किसको सौंपे, क्योंकि वो गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन चलाते थे, राजनीति धर्म संस्कृति भाषा आर्थिक उन्नति, तो ये सभी प्रकार के जो आंदोलन हैं उन सभी आंदोलनों को लेकर दादाजी गांव गांव में शहरों में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। अब उनके द्वारा जो जिम्मेदारी उठाया गया था उसके किसके सर पे हम पकड़ी, ये प्रश्न चिन्ह है हमारे पास। कौन है जो दादाजी के जो विचार है उसको आगे बढ़ा सके? दादाजी हमको तीन लक्ष्य दिए थे। सबसे पहला लक्ष्य हमारा एक गोटुल हो, दूसरा जो लक्ष्य है वो गोंडवाना गोटुल से गोंडवाना विश्वविद्यालय की ओर जाना,
तो हमको गोकुल के बाद विश्वविद्यालय पर काम करना है, और यदि हमारा विश्वविद्यालय निर्माण हो जाता है तो तीसरा जो लक्ष्य है वो है गोंडवाना विकास बैंक की स्थापना करना। तो ये तीन लक्ष्य लेके चल रहे थे, और इसके लिए दादाजी ने जो कहा कि हमको आर्थिक उन्नति करना होगा, पूंजी की ओर ध्यान देना होगा। जब तक हमारे पास पूंजी नहीं है, हमारे पास पैसा है, तब तक हम और गोंडवाना का जो विकास है सामूहिक होगा। इसलिए सबके सहयोग से गोंडवाना गोकुल, गोंडवाना विश्वविद्यालय और गोंडवाना विकास बैंक, ये सपना जो है दादाजी का, तो सपना हो उसको पूरा करना है। उसके लिए सबसे पहले आर्थिक रूप से सक्षम बनना पड़ेगा, ये दादाजी का संदेश। अब इन्हीं तीन लक्ष्य को लेकर हमको काम करना है। पहला है गोंडवाना गोकुल, दूसरा है गोंडवाना विश्वविद्यालय, और तीसरा है गोंडवाना विकास बैंक की स्थापना। ये तीन लक्ष्य दादाजी हमको दिए हैं, इसको हमको पूरा करना है। ओके दादा, ओके, थैंक यू चिम सिंह दादा, थैंक यू। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, जी जी, आवाज। थैंक यू दादा। गोंडवाना गोकुल, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। गोंडवाना गोकुल कचारगढ़ की जो जमीन है वहां पे बन रहा है, और ये दादाजी का सपना है। और जहां तक जो भी समाज, हमारे जो कोयतूर समाज जो सुन रहा है, इस बात को सुने, और जहां तक हो जैसे भी हो दादा का गोकुल का सपना पूरा करे। एक आज आज के इस सेमिनार में हम एक सबको आह्वान करते हैं कि दादाजी का वो एक जो सपना था वो पूरा करे, जाके समाज को, समाज के लिए जगह बने वहां पे। जी, थैंक यू दादा, चिम सिंह दादा, थैंक्स अ लॉट। कि हमने डॉक्टर सूर्यवली दुर्वे सर जी को बुलाया था, मगर उनका एक अभी मीटिंग चल रही है, तो मैं आपके अनुमति से उनका एक इंटरव्यू पढ़ना चाहूंगा जो उन्होंने दादा हीरा सिंह मरकाम जी से लिया था। नीलेश सर, ओके ओके, चल चलो। और इसके बाद जो भी सगाजन अपनी बात रखना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में डालिए, ये स्पीकर ऑन करके बताइएगा। तो मैं थोड़ा सा इसमें जो इंटरव्यू होता है, मैं थोड़ा दादा हीरा सिंह मरकाम जी के शैली में बात करना चाहूंगा मैं। और कुछ सवाल उनको पूछे गए थे जो काफी गहन सवाल थे समाज रचना के लिए, दादा हीरा सिंह मरकाम को जानने के लिए। तो वो बात मैं वो इंटरव्यू पढ़ना चाहूंगा शब्द के रूप में। तो दादा हीरा सिंह मरकाम का एक विचार था, भगवान और भाग्य, भगवान और भाग्य गोंड समुदाय के लोगों के विकास में बाधक है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक हीरा सिंह मरकाम का मानना है कि शिक्षा गोंड समुदाय के लिए सबसे जरूरी है। वे एक ऐसी शिक्षा का प्रस्ताव कर रहे हैं जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से उत्कृष्ट बनाए। सूर्यवली दुर्वे जी ने एक मुलाकात की थी उनका, एक 18 अक्टूबर 2019 में, उसको एक शब्द रूप में मैं पेश कर रहा हूं। शोषणविहीन समाज की रचना में सहभागी बने युवाओं को उन्होंने आह्वान किया था, शोषण विहीन समाज जहां पे किसी भी प्रकार का शोषण न हो, इस प्रकार की विचारधारा हीरा सिंह मरकाम जी रखते थे। हीरा सिंह मरकाम मध्य प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता है थे। उन्होंने 1990 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन किया। राजनेता होने के साथ ही उन्होंने गोंड संस्कृति और सभ्यता को लेकर आंदोलन चलाया। सूर्यवली से बातचीत करते समय उन्होंने गोंड सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं, राजनीतिक हालात आदि के बारे में विस्तार से बताया। हीरा सिंह मरकाम जी के जन्म के बारे में कुछ बातें उन्होंने की। उनका जन्म 14 जनवरी 1900, उन्हें अपने शब्दों में कहा था हीरा सिंह मरकाम जी ने, मेरा जन्म 14 जनवरी 1942 को बिलासपुर जिले के तिवरता गांव के खेतिहर मजदूर किसान के यहाँ हुआ था। ये उनके खुद के शब्द है जो मैं पढ़ रहा हूँ। यह कोरबा जिले के अंतर्गत आता है।
मेरे पिताजी का नाम देव साय मरकाम तथा माता का नाम सोनकुवर मरकाम था। हम सात भाई बहन हैं, इनमें हम तीन भाई और चार बहन हैं। बड़े भाई का नाम चरण सिंह मरकाम, मैं हीरा सिंह मरकाम और मेरा छोटा भाई निर्मल सिंह मरकाम। उनको पूछा गया निक जवाब था, आपकी शिक्षा सवाल था, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई? हीरा सिंह मरकाम जी जवाब देते हैं, मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, क्योंकि गांव में कोई सरकारी या प्राइवेट स्कूल नहीं था। एक पढ़े लिखे व्यक्ति गांव के कुछ बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देते थे। इसके बदले हम लोग प्रतिदिन इन्हें चावल देते थे। हमको पहली से तीसरी कक्षा तक पढ़ाने वाले मास्टर साहब पहले गांव के जमींदार के या मंत्री थे, जिन्हें गांव वालों ने शिक्षक बनाया लिया। फिर 3 साल बाद गांव में सरकारी स्कूल बना, जहां मैंने 4th कक्षा में दाखिला लिया। वहां से हमें हिंदी, भूगोल, गणित, व्याकरण, रचना की शिक्षा मिली और इस तरह हमने गांव से प्राइमरी की पढ़ाई पूरी की। हमारे गांव के आसपास माध्यमिक पाठशाला नहीं थी, वहां केवल जनपद पंचायत के स्कूल होते थे। इसलिए सन 1952 से अपने गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूर सूरी गांव के माध्यमिक विद्यालय में दाखिला लिया। क्योंकि सरकारी छात्रावास नहीं था, इसलिए सारी व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती थी। दाल, चावल, तेल, मसाला और बिस्तर सब घर से ले जाना पड़ता था। वह स्कूल एक जमींदार की पुरानी हवेली में चलता था। सूरी से 7th कक्षा तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे 1 साल के लिए मैं कटघोरा तहसील मुख्यालय गया, जहाँ से शिक्षा विकास समिति नामक संस्था से वर्ष 1955-56 में 8th कक्षा पास किया। चूंकि तहसील मुख्यालय में कोई हाई स्कूल नहीं था, इसलिए 1 साल तक घर पर बैठे रहे। उसके बाद बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला लिया, परीक्षा पास की और फिर 1 साल का कोर्स किया, जिसकी परीक्षा 1957-58 में उत्तीर्ण किया। उसके बाद नौकरी के लिए प्रयास किया। ट्रेनिंग के 14 महीने के बाद तक बेकार बैठा रहा। अंततः 2 अगस्त 1960 को प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हो गई। दादा को कुछ सवाल किए गए। कुछ सवालों में दादा का एक सवाल था सूर्यबली धुर्वे का, ठीक है, राजनीति और सामाजिक कार्यों की तरफ झुकाव कब हुआ? तो हीरा सिंह मरकाम जी कह रहे हैं, बात वर्ष 1980 की है, जब मैं अपने गांव में सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। तब बहुत सारे शिक्षकों को ट्रांसफर पेंडिंग के नाम पर, पोस्टिंग के नाम पर तंग किया जा रहा था। सीनियर अध्यापकों का डिमोशन किया जा रहा था। मैंने अध्यापकों पर हो रहे अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई और जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी कुंवर बलवान सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मेरी पहचान एक जुझारू शिक्षक नेता के रूप में बन चुकी थी। उसी समय विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा था। चूंकि मैं सामाजिक और शैक्षिक रूप से जागरूक होने के कारण समाज की समस्याओं को बड़े स्तर से हल करना चाहता था और यही मुझे सुनहरा अवसर दिखा, जब मैं अच्छे ढंग से समाज और लोगों की मदद कर सकता था। फिर मैंने 2 अप्रैल 1980 को सरकारी सेवा से त्याग पत्र देकर पाली तानकर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में कूद पड़ा। निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद इलेक्शन में 2रे स्थान प्राप्त किया और यही से मेरी राजनीतिक पहचान बनी। दूसरा चुनाव वर्ष 1985-86 में भाजपा के टिकट से लड़ा और पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा में पहुंचा। मैंने 1990 को लोकसभा चुनाव में पार्टी का विरोध किया। पार्टी ने स्थानीय के बदले बाहरी व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया। भाई लोगों, इस बात को याद रखिए, ये इंटरव्यू शब्द बद रचना में मैं दादा की शैली में बात नहीं कर पा रहा हूँ, मगर ये शब्द उनके ही लिखे गए हैं और उनको मैं पढ़ रहा हूँ। हम पे हमेशा दावा करते कि हम लोग लिखते नहीं है, ये लिखा हुआ मैं बता रहा हूँ, दादा का रिकॉर्ड किया हुआ बात है। शब्द से शब्द बात रखी कि दादा ने राजनीतिक जीवन में प्रवेश क्यों किया। मैंने आधा इंटरव्यू कट किया है, क्योंकि उनकी शिक्षा के प्रति पर जो सवाल उनके ऊपर थे, उनका राजनीतिक जीवन, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि रुकना चाहिए तो मुझे बताइएगा। तो दादा के शब्द फिर से सुनिएगा। मैंने 1990 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का विरोध किया। पार्टी ने स्थानीय के बदले बाहरी व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया। जब पार्टी ने मेरे बात अनसुनी कर दी, तब मैंने बागी प्रत्याशी के रूप में वर्ष 1990-91 जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। उनके लिए एक नया उसके बाद एक सवाल किया गया था उनको, आप गोंडवाना आंदोलन से कब और कैसे जुड़े? हीरा दादा बोलते हैं, जब मैं वर्ष 1980 में विधायकी का चुनाव हार गया था, तब एक काम से मेरा नागपुर जाना हुआ। वहां मुझे नागपुर के गोंडवाना क्लब में जाने का मौका मिला। वहां पर पहली बार मैंने गोंडवाना के बारे में जाना।
मैंने देखा कि वहां सभी लोग गोंडवाना प्रदेश के थे। वही मेरी मुलाकात पहली बार गोंडवाना सभ्यता और परंपराओं के महान अध्येता मोती रावण कंगाली कंगाली जी से हुई, तो दो से हुई। वे बैंक में अधिकारी होते हुए भी, दादा कंगाली बैंक में अधिकारी होते हुए भी अपना काफी समय गोंडवाना आंदोलन को दे रहे थे। इसी दौरान मेरी मुलाकात गोंडवाना में काम करने वाले सुंदर सीताराम जी से हुई और अन्य जुझारू एवं कर्मठ लोगों से हुई। वर्ष 1984 हम 5 लोगों ने कचारगढ़ जत्रा का शुरुआत किया, जिसमें से बीएल कोराम, सुनील सीताराम, शीतल मरकाम, मोतीराम कंगाली और स्वयं मैं था। आज आप देख सकते हैं कि वह जत्रा आज कितना विस्तृत हो चुका है। वर्ष 1986 में जब मैं विधायक बना, तब गोंडी भाषा के साहित्यकार और चिंतक सुनील सीताराम जी अपनी पत्रिका के संदर्भ में मिलने भोपाल आए, जो गोंडवाना सगा नामक पत्रिका निकालते थे। मैंने उन्हें भोपाल बुलाकर गोंडवाना दर्शन पत्रिका निकालने का आग्रह किया। इसके लिए मैंने उन्हें आर्थिक मदद के साथ बहुत सारी किताबें और लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। यही से गोंडवाना आंदोलन की नींव रखी जानी शुरू हुई। तो सगा लोग, आप जान सकते हो कि दादा हीरा सिंह जी का की दृष्टि कितनी दूर तक थी। उन्होंने एक पत्रिका को भी, उन्होंने अपने पैसों से गोंडवाना दर्शन पत्रिका सुनील सिंह ताराम जी को कितने मदद की। तो आप जान सकते हैं कि दादा कंगाली सिर्फ राजनीतिक जीवन नहीं, सामाजिक जीवन नहीं, वो साहित्य के बारे में भी रुचि रखते थे। सिर्फ उनको आर्थिक मदद भी की। उनको एक नया और एक सवाल पूछा गया था, अमरकंटक के मेले के बारे में कुछ अनुभव बताइए। हीरा दादा बोलते हैं, जैसे जैसे मेरी रुचि गोंडवाना धर्म दर्शन साहित्य में बढ़ती गई, वैसे वैसे मुझे इन क्षेत्रों में काम करने की जरूरत महसूस होने लगी और ऐसा लगने लगा कि गोंडवाना आंदोलन बिना अपने गोंडी धर्म संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित किए आगे नहीं बढ़ सकता। इसी क्रम में एक बार जब अमरकंटक जाना हुआ, तब वही ठुन्नू राम मरकाम से मुलाकात हुई, जो एक प्रसिद्ध वैद्य थे। उनके सहयोग से 2005 में मैं उनके घर के बगल में फड़ा फेंटाना की स्थापना की। तब से आज तक लगातार 14 वर्षों से वहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां लाखों कोयतूर अपनी संस्कृति और परंपराओं को जानने समझने दूर दूर से आते हैं। इसी तरह मोतीराम कंगाली, सुनील सीताराम और अन्य साथियों के साथ मिलकर कचारगढ़ में भी पहल की। अब वह कारवा बहुत आगे बढ़ गया है। गोंडवाना आंदोलन को बढ़ाने के लिए अमरकंटक में मोती रावण कंगाली और सुनील सीताराम की मदद से गोंडवाना विकास मंडल की नींव डाली गई। वहां जमीन भी खरीदी गई। आज वह भव्य गोंडवाना भवन है। सुनील सीताराम भोपाल से गोंडवाना दर्शन पत्रिका निकालने लगे, हालांकि बाद में उन्होंने राजनांदगांव जिले से भी प्रकाशित किया। बाद में ताराम साहब ने पत्रिका का संपादन और प्रकाशन नागपुर से करना शुरू कर दिया। इस तरह गोंडवाना मुमेन का साहित्य सेक्शन ताराम जी और धर्म संस्कृति का सेक्शन कंगाली जी देखते थे। बीएल कोराम जी भी बहुत साहित्य की अभिरुचि वाले व्यक्ति थे और वे काफी अध्ययन करते थे। तो सगाजनों, आप समझ सकते हो कि धर्म संस्कृति के लिए कंगाली दादा, साहित्य संस्कृति के लिए ताराम जी और राजकीय नेतृत्व के लिए, समाज को बढ़ावाने के लिए, गोंडवाना समग्र क्रांति के लिए दादा हीरा सिंह मरकाम ने टीम वर्क की नींव रखी। आप इस बात को समझिए सगा लोग। इस इंटरव्यू को अगर मैं और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक आखिरी सवाल उनको पूछा गया, कुछ सवाल और भी हैं तो मैं इंटरव्यू को रोकना चाहता हूँ। ये सवाल उनको पूछा गया, कोयापुनम दर्शन के बारे में बताइए। तो हीरा मरकाम हीरा दादा बोलते हैं, कोयापुनम की व्यवस्था पर कुपार लिंगों ने दी। उनसे पहले समाज में गोत्र की व्यवस्था और धर्म की व्यवस्था का अभाव था। लिंगो जी ने जंगोदाई के साथ मिलकर कचारगढ़ में कली कंकाली के 33 बच्चों को संस्कार देकर उन्हें धर्म के प्रचार की जिम्मेदारी दी। आज भी यह संस्कृति जीवित और उसकी वजह यह है कि गांव के लोग ही संस्कृति को मानते हैं। एक खास बात बताता हूँ कि नागपुर के आसपास जिस लिंगो की चर्चा होती है, बस्तर वाले उस लिंगो को की चर्चा नहीं करते। बस्तर के लोग अंतागढ़ के सेमल गांव में उसे मुदिया के छोटे भाई लिंगो को मानते हैं। ये उनका जवाब था। उनको पूछा गया कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन कब और कैसे हुआ। हीरा मरकाम जी कहते हैं, 90 के दशक में जब पूरा गोंडवाना प्रदेश बहुजन समाज पार्टी और काशीराम के प्रभाव में था और गोंडी संस्कृति धर्म को बचाने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था,
तब ऐसी स्थिति में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाने का विचार आया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की नींव दिसंबर 1990 में ही पड़ गई थी, लेकिन 13 जनवरी 1991 को आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा हुई। वर्ष 1955 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के टिकट पर मैंने छत्तीसगढ़ की तानाखार विधानसभा से मध्यावधि चुनाव लड़ा और जीत कर दोबारा विधानसभा पहुंचा। वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव में हमारे तीन विधायक दरबू सिंह उइके, राम गोपाल उइके और मनमोहन वट्टी विधानसभा पहुंचे। ये इंटर हेलो नीलेश सर, हाँ आवाज सर सर चल सर आगे बढ़, आवाज आ रहा सर, बराबर बोल रहा सर। आगे आगे ये इंटरव्यू को पढ़ूं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी आगे। थैंक यू सर। सभी सगा लोग सुन रहे हैं। जैसे हमें हमें हम पे आरोप होता है कि हम लोग लिखते नहीं है, तो ये ऑटोबायोग्राफी जैसा है, आत्मकथा। आज दादा हमारे बीच में दादा हमारे बीच में नहीं है, मगर ये शब्द जो पढ़ रहा हो उस शब्द के हर शब्द को समझने की कोशिश करिए। उनको सवाल किया गया था बाली सूर्या जी ने, गोंड सभ्यता संस्कृति और लोगों के सवालों को लेकर जो राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन आपने आगे बढ़ाया, अब भी वह उस दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं? ये काफी महत्वपूर्ण सवाल उनको पूछा गया था। तो दादा बोलते हैं, देखिए मैं मानता हूं कि आंदोलन अब पहले वाली स्थिति में नहीं है। मैं इसके लिए किसी और को दोष नहीं दे रहा, मुझ में राजनीतिक दक्षता की कमी थी, मगर अब हम सामाजिक और आर्थिक आंदोलन चलाकर लोगों को सक्षम बनाएंगे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। हमारे पास गोंडवाना की संस्कृति है, अब हमारा गोंडवाना गणतंत्र गोटुल पाठशाला चलेगा, अंग्रेजी मीडियम स्कूल चलेगा और इस तरह से हमारे पास कार्यकर्ताओं का अभाव नहीं होगा। अब हम जिएंगे तो गोंडवाना के लिए और मरेंगे तो गोंडवाना के लिए। मैं सीधा और खुले विचार का आदमी हूं। मैंने जिन लोगों पर विश्वास किया और जिनसे मुझे उम्मीद थी कि वे पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, उन्होंने पार्टी का हित करने के बजाय अहित कर दिया। वर्ष 2018 में मैंने मनमोहन शाह वट्टी को छिंदवाड़ा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से टिकट दिया था और मेरा ख्याल है चुनाव में उनकी काफी अच्छी पोजिशन पर रहे, परंतु कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के हमारे कई प्रभावकारी कार्यकर्ताओं को खरीद लिया और हम पीछे रह गए। लेकिन मैंने कभी भी किसी को नहीं निकाला। मैं तो कहता हूं कि आप सब पुराने लोग आइए, प्रेम से रहिए और काम करिए, गोंडवाना आंदोलन को मजबूत करिए। मैं फिर स्वीकार करता हूं कि मुझसे राजनीतिक दक्षता की कमी थी। मैंने किसानों के हालात को नहीं समझा। खेत गांव में है, श्रम शक्ति गांव में है, विकास की राह गांव से निकलती है। कोई कागज के नोट खाकर जिंदा नहीं रहेगा। गांव से न जुड़ना भी एक महत्वपूर्ण कारण था गोंडवाना आंदोलन के कमजोर होने का। इसलिए अब गांव से आंदोलन को पुनः खड़ा करना होगा। किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लोगों को अति महत्वाकांक्षा ने भी गोंडवाना आंदोलन को नुकसान पहुंचाया है। उनके लिए और एक सवाल किया गया, गोंडवाना समग्र विकास आंदोलन में आपकी क्या भूमिका रही है? किरा दादा बोलते हैं, नहीं इसमें मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरे आंदोलन का नाम गोंडवाना समग्र विकास आंदोलन क्रांति है। हम आर्थिक आंदोलन चला रहे हैं और गरीब हो चुके गांव को फिर से समृद्ध बनना चाहते हैं। दादा ने बहुत गहरी बात कही है, जो हम लोग बोलते हैं कि गांव गांव गोटुल, दादा ने यही बोले हैं इसमें, हम आर्थिक आंदोलन चला रहे हैं और गरीब हो चुके गांव को फिर से समृद्ध बनाना चाहते हैं। उनको और एक सवाल पूछा गया, हमारे कोयतुर समाज की मुख्य समस्या क्या है? दादा कहते हैं, हमारे समाज की 5 मुख्य समस्या है। भाई और बहनों इस बात को समझिए, दादा का विश्लेषण सुनिएगा। दादा कहते हैं हमारे समाज की 5 मुख्य समस्या है, भय, दूसरा समस्या है भूख, तीसरा समस्या है भ्रष्टाचार, चौथा समस्या है भगवान और भाग्य, और पांचवा समस्या है भटकाव। इस हर एक शब्द को समझने की बात आज हमको जरूरत है। दादा कहते हैं ग्रंथ और गुरु, फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, भय भूख भ्रष्टाचार, भगवान भाग्य और भटकाव, ये
ये पांच हमारे मुख्य समस्या है, ये ऐसा दादा का विश्लेषण था। दादा फिर कहते हैं, ग्रंथ और गुरु के अभाव में सारा गुणवाना भटक गया है। वैसे ग्रंथ तो कंगाली जी ने बहुत सारा लिख कर दे दिया, हमने लिंगो गुरु को स्थापित करके उनके कोया पुनिम दर्शन का प्रसार प्रसार करना होगा। हम गुणवाना के लोगों का लंबा जीवन चाहते हैं, हम गुणवाना के लोगों का लंबा जीवन चाहते हैं। पुनेम माने सच्चा मार्ग है, यानी सच्चे मार्ग से चलकर इन परेशानियों से निजात पाई जा सकती है और एक निडर समृद्ध खुशहाल स्वस्थ गुणवाना समाज को फिर से खड़ा किया जा सकता है। नीलेश सर तो चल तो बोल बोल दादाजी शब्द बरोबर है चल ब्रह्मा उनको सवाल किया था, ये सवाल जो सुन रहे हैं ये सवाल दादा हीरा सिंह मरकाम जी को किया था, और ये जो शब्द है वो हीरा दादा मरकाम जी के हैं। ये सवाल है, ब्रह्मानुवादी शक्तियां बहुत तेजी से गुणवाना में पाव प्रसार रही है, उनको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है दादा? तो दादा कहते हैं, लोगों को व्यक्तिगत रूप से समझना होगा, लोगों को व्यक्तिगत रूप से समझना होगा। इंसान का बच्चा इंसान ही होता है, भगवान नहीं होता। आप अपने कार्यकर्ता को समझा दीजिए, वो अपने गांव में अपने घर को समझा दे और वो 10 लोगों को समझा देगा। हम भी पहले बहुत बड़े अखंड रामायणी थे और 1964 से पहले हमसे बड़ा कोई टीकाकार नहीं था। ब्राह्मण लोग हमें मानते थे, हम भी बिगड़े रईस थे। परंतु वर्ष 1980 में चुनाव हारने के बाद जब मैं नागपुर गया तो मुझे गुणवाना का साहित्य पढ़ने का मिला और धीरे धीरे गुणवाना का धर्म और संस्कृति को समझा। दादा को और एक क्वेश्चन किया गया, हिंदू मिथकों के बारे में आप क्या कहेंगे? तो दादा कहते हैं, ध्यान से सुनिए मेरे सगा पाड़ियों, दादा कहते हैं, क्या है कि जिनको साहित्य ज्ञान नहीं है वे लोग ही ऐसी बात करते हैं। मैंने कंगाली जी से इस बारे में कई बार चर्चा की थी। अब हमारे जितने लोग हैं वे सब जय सेवा जय फड़ापेन बोलते हैं। एक उदाहरण देता हूं कि अमरकंटक के आसपास एक उड़ीसा वासी आकर गांव के लोगों से राधे राधे कहलवाता था। मैंने बस थोड़ा सा परिवर्तन करके सेवा सेवा कहलवाना शुरू किया। अब वह उड़ीसा वासी और उसका राधे राधे गायब हो गया। युवाओं की चिंता मत करिए, जब उन्हें लोक संस्कृति का ज्ञान होगा तो वे स्वयं समझ सकेंगे कि हमारा कोया पुनिम दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। दादा को पूछा गया और एक सवाल था भविष्य के बारे में, दादा आपकी भविष्य की योजना क्या है? हीरा दादा बोलते हैं, हम आने वाले दिनों में बुनियादी स्तर पर गांव में गोंडवाना गणतंत्र गोटुल की स्थापना करना चाहते हैं। आशा करते हैं कि हम ऐसे कम से कम 10 गोटुल स्थापित करना कर सकेंगे। मेरे भाई और बहनों, ये इस दादा के इस विचारों को ध्यान में रखिएगा, वो कहते हैं कम से कम 10 गोटुल स्थापित करेंगे। दादा को और एक क्वेश्चन किया गया, आज की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहोगे दादा? दादा कहते हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं वे ही गरीबों को लूटते हैं। गरीब लोगों को पुजारी लूट रहा है, कुछ लोग धर्म का प्रवक्ता बनकर लोग अपने लोगों को ही लूट रहे हैं। इसलिए गोटुल की स्थापना जरूरी है, लोगों को आधुनिक शिक्षा देकर उनको जीवन का उद्देश्य श्रम सेवा बनाना चाहिए। संपत्ति बहुत जरूरी है, बिना संपत्ति के मनुष्य की कोई कीमत नहीं होती है। मैं तो कहता हूं कि स्वयं जियो और हजारों लोगों को जीवन दो, बिना पीछे मुड़े युवा पीढ़ी आगे चलती रहे। शोषण विहीन समाज की रचना में सहभागी बने, शोषण विहीन समाज की रचना में सहभागी बने। ये दादा का एक आखिरी सवाल था। डॉक्टर बलिसूर्या दुर्वे जी ये इंटरव्यू को शब्दबद्ध किया था, कुछ सवाल मैंने स्किप किए, मगर जो शब्द जो दादा के दादा ने कहे हुए बात आपको अब तक पहुंची होगी। डॉक्टर बलिसूर्या दुर्वे जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, सेवा जोहार करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये इंटरव्यू लेकर दादा के विचारों को जीवित रखा। ये पढ़कर मैं उनके विचारों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। दादा हीरा सिंह मरकाम के लिए मेरे लिए यही श्रद्धांजलि है, और सभी सगा ने मुझे पढ़ने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी यहाँ उपस्थित सभी
सम्मानीय सगा पाड़ियों को सेवा जोहार करता हूँ। मैं डॉक्टर सुधीर वाड़ीवा और मेरे पिताजी बेसिकली बिलोंग करते हैं बैतूल एमपी से, और मेरा बर्थ एजुकेशन नागपुर का रहा है। मैं वहीं पला बड़ा और तिरुपड़ी कॉलेज ऑफ सोशल वर्क से मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया और 2 साल स्टेट सर्विस में भी रहा। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने के बाद फिर मैं छोड़ दिया, फिर सेंट्रल सर्विस में हूँ, सेंट्रल लेबर डिपार्टमेंट में, और मुंबई में 1 साल शुरू में मैं मेरी पोस्टिंग रही। उसके बाद फिर मैं हरियाणा रहा 2 साल, और फिर उसके बाद मेरी पोस्टिंग इंदौर में रही, और फिर 8 साल में राजस्थान रहा। अभी 2016 से मैं भोपाल में हूँ, और अब तक तो राजस्थान और इतने स्टेटों में रहने के बाद में मैंने लॉ किया, पीएचडी की, और कुछ डिप्लोमा कोर्सेस किए। अब यहाँ आने के बाद अब ऐसा लगा कि अब सारा जो अब जितना भी बचा जीवन है अब ये समाज को देना है और समाज के लिए काम करना है। तो इसी उद्देश्य के साथ यहाँ हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक मुहिम चलाया है। 2016 में जब आया था तो बहुत से सामाजिक संगठनों में ऐसे कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला, सभी ने बुलाया और मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बच्चों से इंटरेक्ट किया। तो निश्चित ही बच्चों से बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बच्चों में कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ स्टीम की कमी है, मोरल उनका डाउन है, उनका मोटिवेशन कहीं ना कहीं थोड़ा कम है, तो क्यों ना हम इस पे काम करें। और चूंकि बीइंग लेबर डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग विंग में हूँ, पहले एनफोर्समेंट में था और देन ट्रेनिंग में, पीएचडी के बाद मैं ट्रेनिंग में अपने आप को यहाँ पर मैं आ गया और फिर यही मैं एग्जॉस्ट हो गया। तो देन उसके बाद मुझे लगा कि क्यों ना मैं जब एचआर में या ट्रेनिंग में काम कर रहा हूँ तो मैं बच्चों के लिए इस पे काम किया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम 3 साल से इस पे काम कर रहे हैं, बहुत बच्चे जुड़े हैं। डॉक्टर शुभम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में, कुछ आईएएस अधिकारी भी है, कुछ अपने डॉक्टर से, इंजीनियर से, बीएचएल के काफी सीनियर पोजीशन के, स्टेट सर्विस के हैं। तो हम बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के वेबिनार लगाते हैं। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। अब रही बात हमारी दादा हीरा सिंह मरकाम जी की, तो मैं यहीं आने के बाद उनको पढ़ा जाना, और चूंकि डॉक्टर सूर्य वाली साहब काफी बहुत अच्छे रूप से कोयापुनेम पे काम कर रहे हैं, और नो डाउट मैं बोल सकता हूँ कि हमारे समाज के आपसे सबसे बड़े जियांट बोल सकते हैं उनको, एक बहुत बड़े अच्छे चिंतनकार और लेखक और अच्छे वक्ता है। तो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से रिसर्च करके जो कोयापुनेम दर्शन को वो ला रहे हैं, और बहुत सी चीजों को जैसा मिसकंसेप्ट है उसको वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिकली वो बात रख रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ और फॉलो करने की भी कोशिश करता हूँ। रही बात दादा हीरा सिंह मरकाम जी की, तो मरकाम साहब से और मनमोहन शाह वट्टी जी, और आज हम दादा कंगाली जी का हमने वहाँ अभी एक गांव में हमने गोंड समाज महासभा संगठन से भी मैं थोड़ा सा उनसे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ लोग काफी अच्छे हैं, तो मैं बोला चलो इनके साथ मिलकर काम करते हैं। और यहाँ हमने एक फड़ा पेन की स्थापना की है, गाँव है वही, हमने तीनों महानुभावियों को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की और वहाँ एक ही मैसेज दिया, और वो मैसेज भी मैं यही यहाँ पे भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि निश्चित ही जब हम इनके बारे में जानते हैं, हमारे कंगाली दादा ने इतना कोयापुनेम दर्शन और इतना साहित्य लिखा है, उसको अभी हमारे जैसा डॉक्टर सूरज ध्रुवे साहब रिसर्च करके और अच्छा उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं, और हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम साहब ने एक हमें गोंडवाना जो एक परिभाषित करके जो बताया, तो हमें जरूरत है आज हमें सभी को कि इस कोयापुनेम दर्शन को हम जीवन में उतारे और इसको न सिर्फ उतारे बल्कि हम आने वाली पीढ़ी को भी जागृत करने की कोशिश करें, और इसको एस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या अपना रोल प्ले कर सकते वो करें, तभी मैं मानूंगा कि हमने दादा कंगाली जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। और रही बात दादा हीरा सिंह मरकाम साहब की, तो जनरली जैसे यहाँ से बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बहुत से सामाजिक संगठन के जो हमारे पदाधिकारी है, और अक्सर जब मैं उनसे देखता हूँ तो कहीं ना कहीं वो जो विचारधारा है उनकी लेफ्ट राइट वाली होती है, और आप सभी समझ सकते हैं कि वहाँ जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि है वो केवल और केवल स्वार्थ के लिए जुड़े हैं और उनसे उनसे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो अक्सर मैं यही बोलता हूँ कि हम इन लोगों को थोड़ा सा दूर करें और ना ही इनको समाज के किसी कार्यक्रम में बुलाए, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, या कोई भी हो, मंत्री हो, हमें कोई जरूरत नहीं इनको बुलाने की। और ये किसी विशेष पार्टी से ये बिलोंग करते हैं और इनकी वहां पे कोई तजब्बू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ
आके हमारा समाज में आके हमारे मंच पे आके ये अपने आप को कैप्चर भी करेंगे और हमें प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ेगा और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं होगा, तो निश्चित ही हम इन लोगों को बहिष्कार करें, इन लोगों का त्याग करें। हम केवल और केवल अपने गोंडवाना आइडियोलॉजी और जो दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जो काम करके गए हैं, तो निश्चित ही अगर हम इस आइडियोलॉजी पे काम करेंगे राजनीतिक क्षेत्र में भी करना चाहिए, लेकिन इसी विचारधारा के साथ करें। क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते, जन चेतना लाए और करे और इस पर काम करे, तो निश्चित ही हम समाज को कुछ दे सकते हैं। और एक दबंगाई तरीके से, जैसे मनमोहन शावट्टी जी से मैंने काफी मुलाकात किया, काफी उनका अंदर साहस था और बहुत बोल्ड तरीके से वो अपनी बात को रखते थे, तो मैं 6 महीने लगभग उनके साथ काम किया, चूंकि वो राजनीतिक थे और मैं एक शासकीय सेवा में होने की वजह से बहुत ज्यादा मैं उनके साथ नहीं रह पाया, लेकिन उनसे मैं एक चीज ये जरूर सीखा कि वो बहुत साहसी थे और बहुत सी जो जितनी भी हमारे खिलाफ एट्रोसिटीज हो रही है उसके लिए वो खड़े होते थे। तो एक सबसे अच्छा जो उनके अंदर जो ये था वो बहुत ही बढ़िया था। और रही बात दादा हीरा सिंह मरकाम साहब की, जो उन्होंने जीवन भर अपने गोंडवाना के नाम पे उन्होंने अपने आप को समर्पण किया, तो मैं इन महानुभूतियों से यही सीखता हूँ कि जिस कारवा इन्होंने चलाया है, उस कारवा को हम सब लोग मिलके, सभी सगाजन सभी सगा पाड़ियों से मैं निवेदन करूंगा कि हम सब पूरे, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हम सब एकजुट हो सारे। मैं हर समय डॉक्टर सुपाम साहब से यही बात करता हूँ कि क्यों ना हम कलेक्टिव इंटेलिजेंस और कोलैबोरेटिव तरीके से अप्रोच के साथ काम करें, और जो हमारे इन 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 महानुभूतियों ने जो काम किया है, इन काम को हम आगे बढ़ाएं। आज हमारे पास दमकम है, अच्छा नॉलेज है, अच्छी टेक्नोलॉजी है और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े लिखे अच्छे पोजीशन में है, तो निश्चित ही हम युवाओं को सही मार्गदर्शन करें तो हम आने वाले समय में एक अच्छा प्रेशर ग्रुप की तरह काम करके हम अपने राइट्स भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने लोगों पे हो रहे अत्याचार को भी हम काफी रोकने में काफी मतलब हम कामयाब हो सकते हैं और समाज को सही दिशा में ले जा सकते हैं और युवाओं को भी सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो मेरा मानना है अगर हम इनके पद चिन्हों में चलते हुए अगर हमने इस मुहिम को अगर आगे बढ़ाया तो मेरा मानना है कि ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम आशा करता हूं कि जो मैंने बात आपके समक्ष रखी है तो शायद आप उस पर चिंतन करेंगे, सोचेंगे, और मैं हर समय तैयार रहता हूं कि दादा कंगाली साहब हो, दादा हीरा सिंह मरकाम हो, कि इनके जो किए गए कार्य है इसको हम आगे बढ़ाएं। तो आपने मुझे मौका दिया तो मैं सभी सम्मानियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर सुप्रम साहब को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को सेवा 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 जुटा।